पुराने खेलों को बढ़ावा देने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भाजपा द्वारा बूथ विजय संकल्प का किया गया आयोजन, 10 बूथों की स्थानीय बच्चों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा खेले गए पुराने खेल, मंडल अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने विजेताओं को वितरित किए पुरस्कार। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रत्येक बूथ को मजबूत करने के लिए बूथ विजय संकल्प अभियान चला रही है। उसी के तहत वार्ड नंबर 25 से 28 के बीच करीब 10 पोलिंग बूथ के भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं बच्चों के बीच विभिन्न खेल खेले गए। खास बात ये रही कि वे खेल जो वर्षों पहले लुप्त हो गए हैं, जिससे शरीर भी मजबूत रहे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा सभी मतदान केंद्रों के क्लस्टर बनाकर बूथ विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में आज वार्ड क्रमांक 25, 26, 27, 28 के जो मतदान केंद्र है वहाँ पे के जो बच्चे हैं उनकी यहाँ 4-5 तरह की खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं और उन सभी का पुरस्कार वितरण यहाँ हुआ। पार्टी द्वारा शीर्ष नेतृत्व द्वारा आदेशित है बूथ विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत ये खेलों का आयोजन किया गया है। सभी मंडलों में मंडल स्तर पर ये खेलों का आयोजन हो रहा है, जिससे कि बच्चे जो भी इस खेल को खेलें वो स्वस्थ रहें, उनका मन भी स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे। इसके लिए पार्टी द्वारा ये आयोजन किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ ऊपर शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने ये आयोजन किया गया। ऐसे आयोजन समाज में होते रहना चाहिए, जिससे भाईचारा भी बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।